साथियों, बहुत बार हम अपने आप को नेगेटिव इमोशंस से इस तरह से भरते हुए चले जाते हैं जैसे कि कोई कंटेनर या बाल्टी अपने आप में कंकड़ पत्थर से भरा हुआ हो। अब चाहे जितनी वर्षा होती रहे, जितना पानी बरसता रहे, उसके अंदर नहीं भर पाएगा क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही खाली नहीं है। इसी तरह से हम अपने अंदर के इनर स्पेस को, इनर बीइंग को लगातार नेगेटिव इमोशंस से भरते हुए चले जाते हैं। हम बस डिविनिटी से कटते चले जाते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती नहीं, नेगेटिविटी से हम भरते चले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर होंगी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहेगा, धीरे धीरे हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि किन ना समझो से हम अपने आप को नेगेटिव इमोशंस से भरते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे किस तरह से अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को हम दूर कर सकते हैं या अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, हम जीवन में अनेक परिस्थितियों से, घटनाओं से गुजरते हैं। जब हम उनसे गुजरते हैं तो निश्चित ही हमें कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने कोई बिजनेस किया, आपको लॉस हुआ, आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, आपने इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपकी टूट गई, या आपको किसी इंसान से रिजेक्शन मिला। ये परिस्थिति थी, परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन ये परिणाम अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक कि आप इस परिणाम को कोई मीनिंग नहीं देंगे। इन परिणाम को दिया गया मीनिंग ही साथियों आपके आने वाली लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। जब हम नेगेटिव मीनिंग देते हैं तो नेगेटिव मीनिंग देने के बाद ही निश्चित ही नेगेटिव मीनिंग नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करेगा, नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा, नींद हमारी उठती चली जाएगी, एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी, लंबे समय की उदासी डिप्रेशन में बदलने लगेगी। लेकिन ध्यान रखें, हर परिस्थिति के परिणाम को जो आप मीनिंग देते हैं, सभी लोग वो मीनिंग नहीं देते। निश्चित ही यदि आज आप नेगेटिविटी से, एंजाइटी या डिप्रेशन से भरे हुए हैं तो बात साफ है कि आपने अपने जीवन में घटे हुए परिणामों को, अधिकतर को नेगेटिव मीनिंग दिया है, जहाँ से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे होते चले गए बिल्कुल कंकड़ पत्थर की तरह से। आज आप डिविनिटी से कटते हुए जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी घटती हुई चली जाती है, उदासी बढ़ी रहती है जो आपकी एनर्जी को सक करती रहती है, नींद की क्वालिटी आपकी ख़राब हो चुकी है, आप उदास रहते हैं, निराश रहते हैं। अब लंबे समय तक जब साथियों ऐसा आपके साथ में चलेगा तो आप यहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेंगे। बहुत बार आप सोच सकते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक फेल्यूर हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से समझ लीजिएगा, आप यहीं पर अपने लिए खतरा मोल लेते हैं। जो भी आइडेंटिटी आप अपने आप को देते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं, वही आइडेंटिटी साथियों आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को या आपके जीवन के परिणाम को सीधा प्रभावित करती है। ये किसी और ने नहीं, आप ही ने दी है। यदि किसी और ने भी दी है तो आपने इसको मोहर लगाई है, आपने इसको स्वीकारा है। जब तक आप इसे नहीं स्वीकारेंगे, ये आपके अंदर कोई इमोशनल ट्रिगर पैदा नहीं करेगी। परिस्थितियों को जैसे ही आप अधिकतर को नेगेटिव मीनिंग देते आए हैं, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर इकट्ठे होते चले गए, आज आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो कारण मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन ध्यान रखें साथियों, जिन परिस्थितियों में आज अपने आप को नेगेटिव मीनिंग हम देते हैं, बहुत लोग हैं इन्हीं परिस्थितियों में से आने के बाद, उनके परिणाम इससे भी खराब हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी है, वो मीनिंग देना जानते हैं। वो मीनिंग देकर के अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार लेते हैं, सवार लेते हैं। एक इंसान साथियों उसी परिणाम की वजह से एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है और दूसरा इंसान साथियों उसी परिणाम की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ समझना है कि परिस्थिति है, परिस्थिति का परिणाम है, यहाँ पर हम हैं, लेकिन कनेक्शन या सेतु बैठाने के लिए हमारा मीनिंग वहाँ पर काम करता है। आप मीनिंग क्या देंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। आज आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है, हलचल है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आपको जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में आज या पास्ट की हैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बस आप उनमें जाकर के देखिएगा कहाँ पर आपने नेगेटिव मीनिंग दिया है, किस परिस्थिति के परिणाम को मीनिंग देने से आपके अंदर गिल्ट पैदा होती है, आपके अंदर एग्रेशन आता है, आपके अंदर पश्चाताप बढ़ता है। आज आप दुखी हैं तो मीनिंग देने से हैं, मीनिंग आप ही ने दिया है, मीनिंग आप उसको चेंज करेंगे। जैसे आप मीनिंग चेंज करेंगे तो आपका इमोशन चेंज होगा, फीलिंग चेंज होगी,
थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाएगा, जीवन आपका बदलने लगेगा। जहां भी साथियों आपने मीनिंग दिया है बस वहीं जाकर के सोचिएगा, जहां आपने मान लिया था आई एम नॉट गुड इनफ, जीवन में अब कुछ होने वाला नहीं है, वहीं पर आप जैसी पॉजिटिव मीनिंग देंगे, बार बार आप सोचेंगे, बार बार आप पॉजिटिव मीनिंग देंगे, तो निश्चित ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा आपकी अपने जीवन की, जहां पर आपके अचीवमेंट्स हैं, जहां पर आपने बहुत कुछ अचीव किया, जो आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए आज आप अपने आप में प्राउड या ब्लेस्ड फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेवलप होगी। आप पाएंगे कि पॉजिटिव मीनिंग देने से आपके इमोशंस बदलने लगेंगे, आपकी फीलिंग्स बदलने लगेंगी, आपका थॉट प्रोसेस बदलने लगेगा, आपके अंदर के रसायन चेंज होने लगेंगे, आपके कंकड़ पत्थर डिजोल्व होकर के बहने लगेंगे, आपके अंदर स्पेस पैदा होने लगेगा, आप डिविनिटी से और पॉजिटिविटी से बढ़ने लगेंगे। अभी हमने समझा कि घटना को जो आप मीनिंग देते हैं, मीनिंग से मेरा मतलब घटना, घटना से पैदा हुआ परिणाम, परिणाम को आपके द्वारा दिया गया मीनिंग आपके जीवन को प्रभावित करता है। ये मीनिंग आपका सब्जेक्टिव है, आपका व्यक्तिगत है, आप ही ने दिया है या आप ही ने उसको स्वीकारा है, आप ही इसे बदल सकते हैं, और इसे बदलने के लिए आपको अवेयरनेस में रहना होगा। पास्ट की कोई घटना या आज की कोई घटना जो आपको परेशान करती है, घटना के अंदर ताकत नहीं है, परिणाम के अंदर कोई ताकत नहीं है, उस घटना से जो आज आपके लाइफ में पैदा हुआ है, आपने जो मीनिंग दिया है वो उसे परेशान करता है, आपने जो मीनिंग दिया है वो आपके अंदर के रसायन को प्रभावित करता है, उसी की वजह से आपके अंदर के केमिकल रिएक्शंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आज आपके अंदर यदि नेगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं, आप पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए दवाइयाँ ढूंढते हैं, ढूंढ लेना, मगर ध्यान रखना आपको अपने अंदर की केमिस्ट्री को चेंज करने का साइंस भी समझना होगा, और वो सिंपल है, जो आप नेगेटिव मीनिंग्स देते हैं उनको पॉजिटिव देना शुरू कर दीजिएगा। आप लगातार पॉजिटिव देंगे, लगातार पॉजिटिव देंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। निश्चित ही इसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, किसी और का डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ आपका डिसीजन और आप ही का अधिकार और आप ही की चॉइस है। आप बस इसके लिए लगातार अवेयरनेस में बने रहें, कुछ दिन का आप अभ्यास करें, अपने आप से कमिटमेंट करें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, शुरू में छोटे स्टेप्स लेकर के चलें। जो भी कुछ मेरे साथ होगा, मैं हर घटना को उसके परिणाम को एक पॉजिटिव मीनिंग दूंगा। आप एक दिन अभ्यास करें, दो दिन करें, तीन दिन करें, थोड़ा थोड़ा आप इस अभ्यास को बढ़ाएं, आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, हैबिट चेंज हो जाएगी, तो पास्ट की घटनाएं भी जो आज आपको परेशान करती हैं, आपको नेगेटिव मीनिंग देने की वजह से वो परेशानी पैदा हुई, आप उसके भी मीनिंग को चेंज करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को बदल सकते हैं। साथियों, बस अवेयरनेस में बने रहें, अपने इमोशंस का कंट्रोल यदि आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, निश्चित ही आप दूसरों के हाथ की या परिस्थितियों की कठपुतली बने रहेंगे, आपके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करेगी, आपके केमिकल रिएक्शंस पॉजिटिव नहीं होंगे, आपको इसके लिए खुद जिम्मेदारी लेकर के काम करना होगा। मैंने बताया, छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपने आप से कमिटमेंट करें, अवेयरनेस बनाए रखें कि अब मैं होने वाली एक दिन, दो दिन या तीन घंटे या छः घंटे, आने वाले कुछ भी मेरे साथ होती है, कोई भी परिणाम आता है, मैं उसको पॉजिटिव मीनिंग दूंगा। अभी तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ट्रेंड है, प्रोग्राम्ड है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब दो के बीच में आप दीवार खींच के रखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप सोच के चलें कि बस एक घंटा, छः घंटा, तीन दिन, छः दिन आप कमिटमेंट करें, छोटी छोटी शुरुआत करें, जो भी कुछ होगा मैं उसको पॉजिटिव मीनिंग ही दूंगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप उसके अंदर ढूंढ करके आप उसको लेबल करिएगा। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होगी, सबकॉन्शियस माइंड फिर पॉजिटिव ही ढूंढने लगेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर सब कुछ ऑटोमेशन पर चलने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। आप इस कुंजी का इस्तेमाल करें, इस टेक्निक का प्रयोग करें, आपको निश्चित ही साथियों राहत मिलेगी। यदि आप गाइडेड वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं, जिसने हर दिन लोगों के जीवन को बदला है, अनेक पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलते हैं। जैसे ही आपका इमोशनल कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप जीवन की घटनाओं के परिणाम को मीनिंग देने की कला सीख जाएंगे,
आपका जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। एक्सीलेंट प्रोग्राम, दिस इज माई सेकेंड टाइम कम्प्लीटिंग दिस प्रोग्राम। एवरीथिंग आई लिसन एंड प्रैक्टिस, इट गिव्स मी मोर पावर एंड मोर क्लैरिटी। अमरजीत सिंह, वन ऑफ अवर पार्टिसिपेंट्स। साथियों, बहुत बार शुरू में एक्स्ट्रा हेल्प लेनी होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी का हाथ पकड़ना होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और किसी को अपना हाथ पकड़ाना भी होता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप चाहें तो ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।